रायपुर के मेकहरा हॉस्पिटल मस्तूरी के बाहर लाश छोड़ के भागने वाले में स्वास्थ्य मंत्री ने संज्ञान लिया है। मंत्री ने रायपुर एसपी से बात करते हुए कार्रवाई करने को कहा है, साथ ही बताया है कि पहले भी शिकायत मिलने पर इस लापरवाह संस्था पर कार्रवाई हुई थी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से बातचीत किया संवाददाता सत्या ने। बारिश में लाश को छोड़ के भागने वाले मामला में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने संज्ञान लिया है, किस तरह के उसमें कार्रवाई होंगे, क्या एक्शन लिए हैं, ज्यादा जानकारी के साथ मंत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, आज ये ऐसा मामला आया है कि बारिश हो रही थी और लाश को छोड़ के वहां से लोग चले गए थे, क्या था पूरा मामला, किसकी जिम्मेदारी थी? 11 तारीख को एक एक्सीडेंट हुआ था और उसमें जो व्यक्ति आए थे उनकी उसके बाद में मृत्यु हुई, लंग्स में, फेफड़े में इत्यादि चोट थी और वो हम लोग बचा नहीं पाए उनको। वो लावारिस थे, यानी कोई परिजन उनके नहीं आए और इन परिस्थिति में जो नियम है कि बॉडी को कुछ समय के लिए रखा जाता है, संभवतः 3 दिन के लिए रखा जाता है और इन परिस्थिति में पुलिस विभाग को हैंडओवर कर दिया जाता है और वहां से फिर पुलिस विभाग उनकी जो धार्मिक रीति रिवाज होते हैं उसके हिसाब से अंत्येष्टि कर लेते हैं। इस प्रकरण में मेरे को ये जानकारी लगी है कि एक संस्था है और वो काफी विवादित संस्था रही है। आज पुनः वही संस्था के लोग किसी कारण से उनको हैंडओवर करने के लिए बात आई होगी, वो हैंडओवर होने के बाद पुलिस के कर्मी वहां जो रहते हैं, मेरे ख्याल से हर अस्पताल में एक टुकड़ी रहती है पुलिस की जो व्यवस्था देखते हैं, उनको हैंडओवर करने के बाद किसी कारण से वो बाहर रह गई थी, ये मुझे जानकारी लगी है। मूल रूप से ये जो संस्था है ये बड़े विवादित तरीके से काम करती रही है और गलत व्यवहार करती रही है, लगातार शिकायत मिली है। वर्तमान में अभी आप वहाँ चर्चा हुई होगी तो क्या स्थिति है अभी उस लाश का? पुलिस विभाग को हैंडओवर हो चुका है, पुलिस विभाग उसकी अंत्येष्टि करेगी और ऐसे लोग जो अवरोध करते हैं कार्यों का उनको कड़ी कार्रवाई करनी होगी, मैं बात करूंगा। तो अभी अपने स्वास्थ्य मंत्री को सुना जिनका साफ कहना है कि ऐसे लापरवाही करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा और उनको लेकर बातचीत हो गई है, अभी पुलिस विभाग को लाश को हैंडओवर कर दिया गया है तो इस तरह आगे कार्रवाई करने के लिए बात करने की बात कही है। और बात कोरबा की